सर क्या करें, हम तो परेशान है। वैसे रोज रोज जो पर डे मतलब बढ़ रही है सीएनजी, कहाँ 44-45 रुपए था, काम 71 रुपए कुछ पैसे पहुंच गया आज। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, अब वो उसका किराया बढ़ नहीं रहा है, तो परेशान तो होंगे, कहाँ से खर्चे पूरे होंगे। दुगुने का फर्क है सर, अब पहले में आप में तो दुगुने का फर्क हो गया ना। हाँ बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, खर्चे पूरे नहीं होते तो कैसे बच्चों को कैसे पालेंगे। हाँ जी, अब सरकार क्या है, अब केजरीवाल सरकार इतनी महंगाई कर रही है, सारे सीएनजी कहाँ पहुंच गए जाके बताओ, किराए बढ़ नहीं रहा है, मतलब जो टैक्सी का भाड़ा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो परेशान तो होगी पब्लिक, तो परेशान होगी होगी बताओ। मेरा जुबैर अहमद नाम है मेरा, टैक्सी चलाता हूँ जी मैं। जी सर, देखते क्या है, हम जो कमाते हैं वही सीएनजी में खर्च हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमको क्यों खत्म करना चाह रही है। बेरोजगार हुए पड़े हैं बिल्कुल, जो कमाते हैं वही खर्च हो जाता है सीएनजी में। और जो है कि अब ये मीडियम साइज ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ज़्यादातर सीएनजी की गाड़ी इन्हीं पे हैं और इन्हीं पे फैक्ट पड़ रहा है। सारे गरीब आदमी हैं, क्यों ये सरकार गरीब आदमियों को ख़त्म करना ही चाहती है, तो भाई जहर दे के मार दो सबको। ऐसा तो अन्याय मत करेगा, सीएनजी रेट वहीं के वहीं हमारे 1 रुपया नहीं बढ़ता, किराए में 1 रुपया नहीं बढ़ता, और सीएनजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कभी लाइफ में हमने तो सुना भी ना है कि जो तो 2.5-2.5-3-3 रुपए हर रोज बढ़ जाते हैं। कभी बढ़ते देखा तो 10 रुपए 10 पैसे 50 पैसे ऐसे बढ़ा है। अब ऐसा जुल्म ना होना चाहिए, फर्क समझा नहीं सर। मतलब अब महंगाई तो है जी, ये तो फर्क तो पहले जो है कि हमारा काम 350 में भर जाती थी सीएनजी, आज 700-800 में भरती है। घर चलाना सर बिल्कुल मतलब बहुत बुरी नौबत हुई पड़ी है, जो हम कमाते वो यही सीएनजी में डाल के खत्म हो जाता है। मुश्किल से हम दाल रोटी का पैसा ले जाते हैं, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, हर आदमी के पीछे बच्चे तो हैं, कहाँ से 2 पैसा अगर नहीं बचेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। घर गृहस्थी चलने के लिए 2 पैसा तो बचना चाहिए ना खा पी के। खाली हम अगर जो यहाँ अपना खा पी के बच्चों को कुछ ना लेके जाएं तो कहाँ से घर चलेगा, वो आदमी क्या करेगा। नौबत खराब हुई पड़ी है बिल्कुल। कैसे क्या गवर्नमेंट को सुनती है नहीं, रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। पहले तो 32 रुपए कुछ थी सीएनजी, आज जो है 71 रुपए 61 पैसे हो गई है, और किराए ऐसे के ऐसे ही हैं, तो हम लोगों पे तो बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं। क्या करें, गाड़ी चलाते हैं क्योंकि नहीं चलाएंगे तो फिर रोटी नहीं मिलेगी। अब इसमें रोज 1200 रुपए की गैस डला देते हैं, अगर 2000 का काम किया 1200 वहाँ चले जाएंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिर कुछ मजदूरी निकलती नहीं है।